पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अग्निपथ योजना की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि यह रेजिमेंट्स के लंबे समय से मौजूद विशिष्ट लोकाचार को कमजोर करेगा। उन्होंने कहा कि एक सैनिक के लिए 4 साल की सेवा बहुत कम समय है। साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि सरकार को इस तरह के मौलिक बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी, जो इतने सालों से देश भर के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 3 साल की प्रभावी सेवा के साथ 4 साल के लिए सैनिकों को काम पर रखना सैन्य रूप से एक अच्छा विचार नहीं है। उन्होंने ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती नीति का विरोध करते हुए कहा कि रेजिमेंट को लोकाचार को कमजोर करेगी। उन्होंने बताया कि सिख रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट जैसे अलग अलग रेजिमेंटों का अपना लोकाचार है, जो सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था और जिसे अनदेखा कर दिया गया था। अग्निपथ योजना के तहत हर साल 46,000 भर्ती होगी, जिसमें पंजाब के पूर्व सीएम ने कहा कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के रंग रूटों के लिए इतने कम समय के भीतर एक विशेष रेजिमेंट के लिए दूसरे वातावरण में समायोजित करना मुश्किल होगा। आपको यहाँ यह भी बता दें कि अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पंजाब में बीजेपी की सहयोगी है। वहीं अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएल।